तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा शो आया है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रीता सान्याल के नाम से, स्टारिंग अदा शर्मा इन लीड रोल। दोस्तों अभी तक इस शो के 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं और बाकी के एपिसोड कब रिलीज होंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो फाइनली मैंने इसके 3 एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम और अपनी नींद खराब करना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक होकर और आप देख रहे हैं होकर रिव्यू पॉइंट। बात करें सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है रीता सान्याल नाम की एक वकील के ऊपर, जो कि छोटे मोटे केस लड़के अपनी जिंदगी जी रही होती है। और भाई साहब उसकी एक ट्रोमेटिक पास्ट स्टोरी भी है, लेकिन उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा शो स्पॉइल हो जाएगा। और दोस्तों उसका भी हर वकील की तरह एक सपना है कि उसके हाथ एक बड़ा केस आ जाए जिससे उसकी लाइफ ही चेंज हो जाए। और फिर उसके हाथ में एक पॉलिटिशियन के मर्डर का केस लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है। और अब रीता सान्याल इस केस को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसके आगे कहानी में क्या होगा, किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये तो आपको पूरा शो देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके अभी तक 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं। बाकी के एपिसोड कब रिलीज होंगे, कैसे रिलीज होंगे, कोई अता पता नहीं है। हाँ, इन एपिसोड की लेंथ है 20 से 25 मिनट के आसपास। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इन 3 एपिसोड का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा कि है एक ओके काइंड ऑफ शो लग रहा है अभी तक। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों, अदा शर्मा मैम ने इस शो को अपने कंधे पर उठा रखा है और अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। आई मीन भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन हाँ उनका काम अच्छा लग रहा है अभी तक तो। इनके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कास्ट ने इस मूवी में काम किया, भाई सबका काम मस्त एवरेज है। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों इस शो की कहानी ठीक ही लग रही है अभी तक तो। बाकी इस कहानी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये तो आपको पूरा शो देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसका बीजीएम भी ठीक ही देखने को मिल रहा है। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस शो का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। आई मीन भाई साहब प्रोडक्शन वैल्यू इतनी ज़्यादा चीप है ना, मतलब हमें पता चल रहा है यार कि पैसे नहीं थे और शो बनाना था, तो शो के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया गया भाई साहब। मतलब इसमें जो भी शॉट देखने को मिलेंगे ना आपको, वो बिल्कुल फेक लग रहे थे, बिल्कुल नकली लग रहे थे। आप मुंबई जेल वाला जो सीन देखोगे ना दोस्तों, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि साला किसी घर के बाहर ही मुंबई जेल का बोर्ड लगा दिया भाई साहब। तो यार मतलब क्या ही था, थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठे करके इस शो को थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए था ना। और दोस्तों रही सही कमी पूरी कर दिया हॉटस्टार वालों ने, मतलब हॉटस्टार वालों को मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, उनको जितना गाली दे ना, गाली देने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब जो अच्छा शो होता है ना उसके साथ तो यही करते हैं, लेकिन ये तो शो इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी इसके साथ साला एक एक एपिसोड रिलीज कर रहे हो भाई साहब, क्या चूतियाप्पा है यार ये। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी है कि इस शो के लिए आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हॉटस्टार पर यह शो बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि ओल इन ऑल ये है एक ओके काइंड ऑफ शो लग रहा है अभी तक तो। तो अगर आप भी अदा शर्मा मैम के फैन हो मेरी तरह, तो भाई आप इस शो की तरफ जा सकते हो। फैमिली फ्रेंडली है शो है, कोई न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है अभी तक तो, कोई वल्गर सीन नहीं है, कोई गाली गलौज भी नहीं है, तो आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू 3 एपिसोड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। और अब तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आ गया भाई साहब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।